NH-707 पौंडा साहिब शिलाई पर फेज 3 से निर्माण कार्य में जुटी कंपनी द्वारा हटाए गए मजदूरों की हड़ताल पिछले 10 दिनों से जारी है। काम से हटाए गए मजदूरों ने क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात की और बताया कि किस तरीके से उन्हें कंपनी की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बेवजह काम से हटाया गया। काम से हटाए गए ये मजदूर सीटू के बैनर तले धरने पर बैठे हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सीटू जिला अध्यक्ष लाल सिंह ने बताया कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान के सामने गंभीरता पूर्वक मजदूरों का पक्ष रखा गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द मजदूरों की मांग पूरी करते हुए उन्हें दोबारा काम पर रखा जाए। आज 10वें दिन हमारी हड़ताल जारी है और आज उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी शिलाई दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने अपने काफिले को यहाँ रुका और मजदूर साथियों के साथ बातचीत की और बातचीत में हमने उन्हें यहाँ पर बताया कि किस तरीके से मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। चौहान साहब ने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने मजदूर व कंपनी प्रबंधन से बातचीत करने के लिए हमें कहा और ये एक आश्वासन दिया और दूसरा मजदूरों से ये कहा कि भाई आप चिंता ना करें, जल्द से जल्द आपके इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमने चौहान साहब को अपनी सारी जो भी जिस तरीके से इन्होंने मजदूरों को बाहर किया, किन कारणों के कारण, वो सारी बात रखी और हमने चौहान साहब से व उद्योग मंत्री से ये बात कही कि अगर ये समस्या जल्द इसका समाधान नहीं होगा तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ साथ हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि जो कंपनी प्रबंधन है वो अगर इस समस्या को जल्द हल नहीं करेगा तो आने वाले समय के अंदर हम लोग एसडीएम कार्यालय व स्थानीय प्रशासन का घेराव करेंगे।